हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल IAN इट्स अबाउट नीट। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ईयर गुजरात स्टेट में ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रही थी, फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट नहीं की और उन्होंने दूसरे किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस वीडियो में हम ओपन कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट ईयर गुजरात स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए 583 था एंड EWS कैटेगरी के लिए 580 मार्क्स थे। अब देख लेते हैं लास्ट ईयर ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था फिर भी उन्होंने नहीं लिया। आप देख सकते हो नीट 2020 में गुजरात स्टेट में ऐसे 95 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क मोर देन 583 थे एंड इन 95 स्टूडेंट्स में 46 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क मोर देन 600 थे। और आपको पता ही होगा नीट 2020 में गुजरात स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 583 मार्क्स था। मतलब अगर ये 95 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते तो इन्हें मिल सकती थी, बट इन्होंने नहीं ली। दोस्तों, अब सवाल आता है, ये 95 स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं ली तो कौन सी कॉलेज ली? इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 95 स्टूडेंट्स में से 69 स्टूडेंट्स ने GMERS मेडिकल कॉलेज जो कि 16 अहमदाबाद है उसको प्रीफर किया ओवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 14 ऐसे स्टूडेंट्स है जिसने NHL मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद को प्रीफर किया ओवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 6 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने GMERS वडोदरा प्रीफर किया ओवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 3 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने GMERS मेडिकल कॉलेज गांधीनगर को प्रीफर किया ओवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 3 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने सूरत म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज को प्रीफर किया ओवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब देखते हैं जिन स्टूडेंट्स के मार्क मोर देन 600 थे उन स्टूडेंट्स ने कौन सी कॉलेज प्रीफर करी है। आप देख सकते हो 35 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनने GMERS मेडिकल कॉलेज 16 को प्रीफर किया ओवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 9 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने NHL मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद को प्रीफर किया ओवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 11 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने GMERS वडोदरा एंड GMERS गांधीनगर को प्रीफर करा। यह डेटा ऑफिशियल साइट medgujarat.org से लिया गया है। सो आई होप मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाया हूँ। थैंक यू।